मैंने एग्जाम की पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2019 का आरआरबी इलाहाबाद जो है जोन में, इलाहाबाद जोन में क्या कुछ यहाँ पे कट ऑफ गया है, कितने परसेंट बेस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे क्या कुछ मैक्सिमम कट ऑफ, क्या कुछ मिनिमम कट ऑफ गया है, एक सीट के रिगार्डिंग कितना यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा, कितना जो है यहाँ पे सारे कॉम्पिटिशन है। चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत वैकेंसी था। यहाँ पे जो है 1446 यहाँ पे वैकेंसी था टोटल, जहाँ पे आपका जनरल की वैकेंसी 788 था, यहाँ पे ओबीसी का जो है 341 था, एससी का आपका जो है 209 था एंड एसटी का आपका 108 टोटल यहाँ पे वैकेंसी था। अब इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे टोटल डीवी के लिए जो सारे कैंडिडेट को बुलाया गया है, जो सारे कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड जारी किया गया है, यहाँ पे टोटल डीवी के लिए बुलाया जा रहा है आपका 2279 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बात किया जाए तो 50% या फिर 51% ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है डीवी के लिए। अब जो ये डीवी होगा तो ये डीवी कब होगा, ये डीवी आपका जो है किसी जोन में, जैसे कि आपका भुवनेश्वर जोन में ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं, ये सारे जोन में भी बहुत ही जल्दी जो है जारी कर दिया जाएगा एंड आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी न्यूज़ अगर निकल के आया है तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ से। अब यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कट ऑफ जो है ये मेरिट इंडेक्स के बाद जो है ये आपको जरूर ये पता होगा कि इस बार जो है कट ऑफ कुछ अलग तरीके से आया है। मेरिट इंडेक्स के द्वारा जो है यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है। कैसे मेरिट इंडेक्स के द्वारा अगर जारी किया गया ये आपको अगर मालूम नहीं है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, एक वीडियो मैंने पहले इससे बनाया था इसके रिगार्डिंग, जहाँ पे आपको सारे कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है ये मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। आप ये मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका हर जो है पोस्ट के रिगार्डिंग, हर कैटेगरी के रिगार्डिंग जो है अलग अलग सारे कुछ जो है यहाँ पे कट ऑफ निकल के आ रहा है। उससे ही जो है जहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ आया है जनरल की, अगर मैक्सिमम कट ऑफ की बात की जाए तो 638 मैक्सिमम कट ऑफ आया है इस जोन में एंड ओबीसी की बात किया जाए तो 631 कट ऑफ आया है, एससी की बात किया जाए तो 569 कट ऑफ आया है, एसटी की बात किया जाए तो 525 जो है कट ऑफ आ रहा है ये मैक्सिमम एंड मिनिमम कट ऑफ की बात किया जाए तो 548 कट ऑफ आ रहा है, 520 ओबीसी का जो है 521 कट ऑफ आ रहा है, एससी का आपका 449 कट ऑफ आ रहा है एंड एसटी का आपका 432 कट ऑफ आ रहा है। ये सारे कट ऑफ यहाँ पे इस जोन के लिए बन रहे हैं। इसके बीच में जो सारे कैंडिडेट भी अपीयर हुए हैं उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है, उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आपका ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहाँ से वो लिंक डाउनलोड करके वहाँ पर आपका रोल नंबर मिला लेना। रोल नंबर मिलने के बाद जो है आपको इस बार जो है डीवी के लिए क्या कुछ लगेगा जो है वहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना। जो सारे कैंडिडेट अपीयर हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप जो है आपका डीवी होने वाला है एंड मेडिकल टेस्ट होने वाला है, जहाँ पे आपका बहुत ही ध्यान से वहाँ पे करना होगा। ज़्यादा कुछ कैंडिडेट को सिलेक्टेड नहीं किया गया है, बहुत ही कम यहाँ पर कंपटीशन है, तो आप जो है यहाँ से ज़रूर अपीयर कर पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो का अगर यूज़फुल लगा प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।